भारतीय संस्कृति की माने तो नारी के चार अहम किरदार होते हैं, बेटी, बहन, पत्नी और माँ। पर अब जमाना बदल रहा है, नारी अब अपने नए किरदार में नजर आ रही है। घर से निकलकर वो संसार विजेता बनने जा रही है, पर क्या ये पुरुष प्रधान समाज उन्हें ऐसा करने दे रहा है? उनको पुरुषों के बराबर समानता का एहसास होता है? क्या वो सुरक्षित हैं? आइए जानते हैं आज के हमारे एपिसोड में। परिदृश्य बदल रहा है, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। दरअसल परिवर्तन और बदलाव आना चाहिए आम लोगों के जीवन में, उनकी सोच में। और साथ ही साथ जब ये सब होगा तो इससे विमेन एम्पावरमेंट भी होगा, महिलाओं की सोच बदलेगी, उनकी स्थिति में बदलाव होगा, क्योंकि यही तो है असली परिवर्तन और असली विमेन एम्पावरमेंट। जी हाँ, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं उनका, जो किसी परिचय के मोहताज है ही नहीं। अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी लगन के बल पर अर्श से शिखर तक का सफर तय करने वाले इन्होंने कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनके बल पर आप कामयाबी पा सकते हैं। जी हाँ, द वन एंड ओनली हमारे शो मेंटोर, जो आपके अंदर के सामर्थ्य को बाहर निकालने का काम करते हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने शो में। नमस्कार। तो सर, जैसे आज हम बात करने वाले हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। हम सब जानते हैं महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को एक अलग दर्जा मिला है हमारी सोसाइटी में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सब महिलाओं के लिए बहुत खास होने वाला है, और उनके लिए भी जो अपनी सोच में बदलाव करना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि विमेन एम्पावरमेंट आपके मुताबिक क्या है? देखिए, यदि हम देखें कि महिला सशक्तिकरण जी यानी विमेन एम्पावरमेंट क्या है, तो हम इसके लिए यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन देखते हैं या यूनाइटेड नेशन क्या बोलता है इसके बारे में। तो वो पांच मोटी बातें करता है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है कि सबसे पहले कि जो महिलाएं हैं वो पहचाने कि उनके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, कि उनकी अपनी वर्थ क्या है, इसकी उनको जानकारी होनी सबसे जरूरी है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि उनको ये पता लगना चाहिए कि जो उनकी इच्छा है वो उसके हिसाब से काम करें, ना कि जो उन पे परिवार या समाज थोप देता है कि आपने सिर्फ यही काम करना है, वो काम ना करके जो उनके अंदर से इच्छा करती है काम करने की, वो काम करें, यदि आप चाहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलें, चाहे वो अपॉर्चुनिटी की बात हो, चाहे वो हमारे संसाधन हैं, जितने भी हमारे देश में संसाधन हैं, वो चाहे हमारे नेचुरल हैं या सरकार प्रोवाइड करती है, उन सब पे उनका इक्वल राइट होना जरूरी है। बिल्कुल। और फोर्थ है कि जो महिला है वो चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके। ये ना हो कि महिला जब बाहर काम करती है तो वो हो सकता है 10-20-50 हजार आदमी को कंट्रोल करती है, लेकिन जब वो घर पे पहुंचती है तो फिर उसको पता लगता है कि उसको दोबारा वहां पर कंट्रोल करने वाले कुछ और लोग हैं, या उसके पिता हैं, या उसके पति हैं, या उसके बच्चे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो उसको सेल्फ कंट्रोल, उसका अपना कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल, चाहे वो घर में है चाहे वो बाहर काम कर रही है, ये एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि महिलाओं के अंदर कुछ छुपी हुई शक्तियां होती हैं, जिससे कि वो समाज का और देश का बहुत बड़ा उद्धार कर सकती हैं, भला कर सकती हैं, उसको आगे बढ़ा सकती हैं। तो हमें मदद करनी है महिलाओं की उस शक्ति को पहचानने की और उसको बाहर निकालने की। ये पांच बेसिकली मुख्य बातें हैं। अगर ये पांचों बातों का ध्यान रखा जाए तो महिला सशक्तिकरण के उसमें हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और हमारे देश में या पूरे संसार में हम देखें तो हमारे देश में टोटल जनसंख्या अगर 131 करोड़ है तो उसमें से 48.5% लोग महिलाएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश, कोई भी समाज या कोई भी सभ्यता आगे नहीं बढ़ सकती जब तक महिलाओं की भागीदारी बराबर की नहीं होगी। अच्छा, आपने सेकंड पॉइंट जो कहा इक्वालिटी का, कहा कि विमेन की इक्वालिटी होना जरूरी है, उसे पहचानना जरूरी है कि उसका भी इक्वल हक बनता है, लेकिन वो तो बहुत पहले ही हो चुका है, तो फिर हमें विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? कभी नहीं हुआ ये। हमारे देश में हजारों सालों से महिलाओं को दबाया जा रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनके ऊपर थोपा जाता है। वो खुद पुरुष तय कर लेता है कि आपने सिर्फ हाउसवाइफ बनना है, आप घर पे रहो, आप कुछ नहीं कर सकती। या कुछ पढ़ी लिखी महिला है तो उसे बोल देते हैं अच्छा चलो आप घर के काम के साथ बच्चों को भी पढ़ा लिया करो। यस यस, बाहर काम आपके बस की नहीं है, फ्रीडम है ही नहीं उनको, वो बाहर जा ही नहीं सकती, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप 5 बजे के बाहर नहीं निकलोगी, 10 बजे के बाहर नहीं निकलोगी, या निकलोगी तो ये जरूर पहनोगी।
Exactly. या अपने साथ अपने महिला लड़की है तो भाई को लेके जाओगी, बिल्कुल, या अपने पति को लेके जाओगी, अपने पिता को लेके जाओगी, मतलब किसी ना किसी को लेके जाओगी. आज भी हमारे देश में अगर लिटरेसी रेट ही देखें तो लिटरेसी रेट अगर पुरुष का देखते हैं तो 75% है, बिल्कुल, महिलाओं का देखते हैं तो 50% पे आके रह जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए. क्योंकि जब भी आप एक पुरुष को पढ़ाते हो तो सिर्फ एक व्यक्ति को पढ़ाते हो, जब एक महिला को पढ़ाते हो तो आप पूरे समाज को पढ़ाते हो, पूरे देश को पढ़ाते हो. बिल्कुल सही. हमारे देश में आज भी पुरुष ज्यादा पढ़ रहे हैं, महिला कम पढ़ रही हैं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं दिया जाता पढ़ने का. आपके मुताबिक एक महिला के अंदर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिसको वो पहचान सकती है? और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि महिलाओं के अंदर बायोलॉजिकली भी अगर देखें तो ज्यादा शक्ति होती है जी. उनके अंदर टॉलरेंस पावर सबसे बड़ी होती है, सबसे ज्यादा होती है, और उनके ऊपर सेंस, जो सिक्स सेंस होती है, जो कि पहचानने की कौन सा काम कैसे ठीक चलेगा, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है. और साथ में उनके अंदर मेहनत करने की शक्ति भी ज्यादा होती है. यदि हम एशिया की बात करते हैं, अगर हम देखें हमारे देश में जो लेबर वर्क फोर्स है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो कुल 25% के लगभग है, और यही अगर हम बांग्लादेश में देखते हैं तो 43% है. ऐसा क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में फिर भी महिलाएं आगे आ रही हैं. यही एक आश्चर्य की बात है कि हमारा देश बांग्लादेश से भी पिछड़ गया है. यदि हम मलेशिया देखते हैं, हमेशा की बात कर रहे हैं, मलेशिया अगर देखते हैं तो वहां पे 49% है, और यदि हम म्यांमार देखते हैं जो हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है, तो वहां 79% भागीदारी है. बिल्कुल. लेबर वर्क फोर्स में जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, और हमारे देश में ये आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है पिछले सालों में, बेशक हम GDP हमारी बढ़ रही है और बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, महिलाएं बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, कुछ क्षेत्रों में बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं नहीं, हमें सब महिलाओं को एक साथ लेके चलना पड़ेगा. हमें ग्रामीण महिलाओं को एक साथ लेके चलना पड़ेगा. आज भी ग्रामीण महिला बहुत काम करती हैं, लेकिन उनके काम के साथ साथ यदि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे देश में, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे देश में, जितने भी संसाधन हैं हमारे देश में, जिनका उपयोग करके पुरुष आगे बढ़ता है, यदि इक्वल का दर्जा महिलाओं को भी देंगे और देश ज्यादा आगे बढ़ेगा. बिल्कुल सही कहा आपने, बिकॉज जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि महिलाएं ज्यादा स्ट्रांग होती हैं. यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का. ब्रेक के उस पार बहुत सारी इंटरेस्टिंग चर्चा होगी इस टॉपिक पर. पर ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दूं कि अब ना आप टैपफॉक्स, जी हाँ, TAPFOX नाम की ऐप को अपने फोन पे ही डाउनलोड कर सकते हैं. बड़ा सिंपल है डाउनलोड करना अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं या फिर एप्पल यूजर्स हैं. इसके साथ साथ अगर आप इसमें मेड इन इंडिया रेट का हिस्सा बनते हैं और हमारे आसान से सवाल का जवाब देते हैं जो अभी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश भी हो रहा है, तो आपको मौका मिल सकता है बिजनेस इनसाइट का हिस्सा बनने का. कैसे? क्योंकि आप यहां पर, ये जो हॉट सीट आपको नजर आ रही है, यहां पर आप बैठ सकते हैं. तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए टैपफॉक्स अपने फोन पर और अभी इसी वक्त इस सवाल का जवाब दीजिए. फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. बैंक का आज भी मुझे टाइम टू टाइम मुझे सपोर्ट है, क्योंकि सारी चीजें लोन के बिना पॉसिबल है नहीं. कहा जाता है कि अगर कुछ कर गुजरने की लगन और जज्बा हो तो किस्मत पलटते देर नहीं लगती. उसके लिए चाहिए सिर्फ लगातार कठोर मेहनत और लगन, जिससे हर कठिन कार्य किया जा सकता है. और ये बात हमारी आज की गेस्ट ऑफ द ऑनर पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने अपनी मेहनत के बूते देश की सभी महिलाओं के लिए मिसाल पेश की है. एक ऐसी हस्ती जिन्होंने मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में महिलाओं का परचम बड़े शान से फहराया है. तो आइए स्वागत करते हैं द आयरन विमेन ऑफ द इरा, श्रीमती कुशल सिंह जी का. जी हाँ, तो अगर आपके अंदर पूरा जज्बा है, मेहनत करने की आपके अंदर लगन है, तो जिंदगी में किसी भी मुकाम को हासिल करना मुश्किल आपके लिए बिल्कुल नहीं होने वाला है. और ऐसा ही कर दिखाया है हमारे आज की गेस्ट ऑफ द डे ने, जिन पर ये सारी बातें एकदम फिट बैठती हैं. तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं उनका, जिन्हें हमने नाम दिया है आयरन विमेन ऑफ द एरा, श्रीमती कुशल सिंह जी. आपका बहुत बहुत स्वागत. तो जिस तरह से मैंने कहा कि आपको देखकर ये लगता है कि आपने बहुत मेहनत की होगी ना अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए, और साथ साथ जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक आपका जो स्कूल है कौशल्य वर्ल्ड स्कूल, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में चैलेंजेस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो तीसरे पायदान पर है, और आपको IBF की तरफ से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लंदन के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और साथ साथ ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से भी. ये बहुत बड़ी बात है सर, राइट? ये प्रेरणा मुझे अपनी मॉम से मिली, सी इज ए हाउसवाइफ, जिन्होंने मुझे सिखाया कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है. ये मेरा पैशन भी था कि ऐसा कुछ कर दूं जो अपने समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सकूं. इसके लिए सबसे बेहतर है शिक्षा, क्योंकि उससे हम एक समाज को बदल सकते हैं. जी. और शिक्षा, मेरा मानना है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, उसे मिलना भी चाहिए.
तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ मुझे आई, क्योंकि एक लेडी होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा. जहाँ जहाँ मुझे अप्रोच किया मैंने, तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, ये सब नहीं था. मैंने स्कूल स्टार्ट किया 7th तक, तो CBSE से मुझे बहुत सारे चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि मेरे पास एक वो सपोर्ट नहीं था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था. नहीं, मैंने कभी हार नहीं मानी और उन सबको आगे करके सारे जो प्रॉब्लम थे सॉल्व करते हुए मैं आगे बढ़ती गई और आज इस मुकाम पर हूँ कि मैं कुछ समाज और देश के लिए अपना योगदान दे सकूँ. बड़ी अच्छी बात आपने कही, और आपसे ही मुझे लगता है हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हमारे शो को देख रही हैं या फिर नहीं भी देख रही हैं, वो इंस्पायर होंगी आपकी बातों से और आगे बढ़ने की जो क्षमता है ना उनके अंदर बढ़ती चली जाएगी. सर, आपसे जानना चाहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट और जब मैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती हूँ, इसको आप किस तरह से इंटर रिलेटेड समझते हैं? देखिए, बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, क्योंकि आप जानिए कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब यदि वुमेन एंटरप्रेन्योर बनती है तो वो अपना एक उद्योग शुरू करती है या अपना कोई बिजनेस लाइन शुरू करती है या अपनी कोई सर्विस लाइन शुरू करती है, तो वो सशक्त होती है. वो सशक्त कैसे होती है? आर्थिक रूप में भी होती है, सामाजिक रूप में भी होती है, और उसके खुद का डेवलपमेंट भी होता है. और यही तीनों चीज़ें हमें महिला सशक्तिकरण में चाहिए. यही तीनों चीज़ें हम चाहते हैं कि महिला एम्पावर हो जाएगी अगर ये तीनों चीज़ें उनके अंदर आ जाएंगी. तो सबसे अच्छा तरीका विमेन को एम्पावर करने का विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसके लिए कि आज हमारा देश सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा पिछले 60 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी गई हों महिलाओं को अपना इंटरप्राइज शुरू करने के लिए जितनी आज हैं. चाहे वो लाइसेंसिंग की बात करें, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे वो लोन की बात करें, किसी भी तरह की सुविधा की बात करें, किसी भी तरह की अप्रूवल की बात करें, तो आज सबसे आसान है. तो आज का गोल्डन ईरा मैं कहूँगा महिलाओं को आगे आने के लिए और अपना कोई इंटरप्राइज शुरू करने के लिए. बिल्कुल सही. और एज अ होस्ट आज मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी बता दूं कि एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत मैंने भी की है, एक ऑनलाइन बिजनेस की, जिसको आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ प्लानिंग की है, मुझे लगता है जो बहुत जरूरी होती है सर एंड मैडम. लेकिन यहाँ पे सर से तो मैं जानूंगी कुछ बिजनेस टिप्स जो मुझे मिलने वाले हैं, साथ साथ सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और आपसे ये भी जानूंगी कि क्या क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ अपने बिजनेस में जिससे कि आगे बढ़ सकूँ. तो आप हमें बताएं, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो एक महिला को फेस करनी पड़ती हैं. आपने अपने बिजनेस को जब आगे बढ़ाया, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि एक महिला होने के नाते आपको शायद ये कहा गया हो कि महिला है बिजनेस नहीं कर पाएगी? हाँ, ऐसा हुआ मेरे साथ. एक्चुअली ये पुरुष प्रधान देश है जहाँ पे लेडीज़ को आगे बढ़ने के लिए पहले तो हमें अपने घर से उनको मनाना पड़ता है कि उनका सपोर्ट हमें चाहिए कि हमें कुछ करना है. फिर जहाँ से हमने काम स्टार्ट करा उसमें सोसाइटी में एक मैसेज देने के लिए भी हमें बार बार फोकस करना पड़ा. लेकिन एक लेडीज़ होने के नाते मुझे लगता है एक पैशन होना आपका बहुत ज़रूरी है. घर और परिवार को लेके भी साथ चलना बहुत ज़रूरी है. हमें एक प्लानिंग के साथ अपने कॉस्ट्यूम जो हम करेंगे, क्वालिटी, पैकेजिंग, प्लानिंग, लोगो, डिज़ाइन, इन सब को ही पहले से प्लान करना चाहिए. एक्चुअली जब आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो ईजी हो जाए बिजनेस करना और इम्प्रूव करना अपने आप को. एग्जैक्टली. और क्या क्या आपने सपोर्ट आपको मिली गवर्नमेंट की तरफ से, वो पहले हम सर से जान लेते हैं. सर, आपके मुताबिक अगर एक महिला अपना व्यापार शुरू करती है तो उसके लिए कुछ स्कीम्स होनी चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए? जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट की जो स्कीम पहले निकली थी जिसमें इंटरेस्ट दिया जाता था, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दिए जाते थे महिलाओं को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो वो स्पेशली इसी के लिए बनाई गई थी? बिल्कुल बनाई गई थी. मैं बताना चाहूंगा आपको कि बहुत सारी स्कीम है. जैसे एक भारतीय महिला बैंक है जो कि अभी फिलहाल में ही खुला है, जिसकी 100 ब्रांचेज हैं हमारे देश में, जो कि बहुत सारी योजनाएं चलाता है महिलाओं के लिए, क्योंकि वो महिलाओं का ही बैंक है, उसका नाम ही भारतीय महिला बैंक है. तो उसकी यदि हम देखें तो 4 बड़ी योजनाएं हैं जिसको हम बोलते हैं. सबसे पहले भारतीय महिला बैंक की परवरिश. परवरिश जैसा नाम से पता लगता है कि यदि मान लीजिए आपको क्रैच खोलना चाहते हैं या कोई इस तरह की सुविधा देना चाहते हैं बच्चों को जो उनकी परवरिश में मदद मिले, तो उसके लिए वो जो हमारी MSME मिनिस्ट्री की क्रेडिट गारंटी योजना है जिसमें 1 करोड़ तक का लोन मिलता है बिगर किसी गारंटी या कोलेटरल सिक्योरिटी के, इसमें फॉल करती है. एक बोलते हैं श्रृंगार, यह भी भारतीय महिला बैंक की स्कीम है. श्रृंगार ब्यूटी से संबंधित आप कोई भी यूनिट खोलना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का यूनिट खोलना चाहते हैं. तीसरी स्कीम है भारतीय महिला बैंक की अन्नपूर्णा. अच्छा. जैसा नाम से पता लगता है कि अन्नपूर्णा, वैसे स्त्री अन्नपूर्णा का रूप भी होती है. तो यदि आप अन्नपूर्णा के रूप में कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जिसमें कि आप कोई भी खाने की कैटरिंग का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई भी कैसी भी सप्लाई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं,
या घर घर सप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लोन मिलता है। इसके अलावा भारतीय महिला बैंक की माइक्रो फाइनेंस की भी स्कीम है जिसमें बहुत सारी महिलाओं को उसमें वो एनजीओ की सहायता लेके जो हमारे देश में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एनजीओ उन सबको वो पैसा देते हैं और वो लोग फिर अपने मेंबर बनाते हैं महिलाओं को और कुछ सपोर्ट भारतीय महिला बैंक करता है उस पैसे की, उस पैसे को फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं आपस में और कोई ना कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा शुरू करती हैं और उसको फिर लोन को वापस करती हैं जिसका ब्याज बहुत कम होता है। जैसे आपने परवरिश के तौर पर स्कूल की शुरुआत की बच्चों के लिए, क्या आपने भी किसी स्कीम का फायदा उठाना? जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था लैंड के ऊपर मैंने लोन अप्लाई किया था तो मुझे बैंक से लोन इजी मिला। फिर जब मैंने बसेस अपने एक्सपेंस अपने किए स्कूल के तो इजी मैंने अपनी बैलेंस शीट अपनी रिटर्न कॉपी बैंक में जमा कर दी जहाँ मुझे इजीली लोन मिला। बैंक का आज भी मुझे टाइम टू टाइम मुझे सपोर्ट है क्योंकि सारी चीजें लोन के बिना पॉसिबल है नहीं। आपके मुताबिक इंटरनेट ने कितना मदद किया है महिला सशक्तिकरण में भी और एक विमेन को एज एन एंटरप्रेन्योर आगे लाने में? बहुत बड़ी मदद की है क्योंकि महिलाओं को जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो परेशानी थी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने, वहां लोगों से डील करना जिनका माइंडसेट भी वो पुरुष प्रधान देश वाला माइंडसेट है। जब वो इंटरनेट पे आ गया, ऑनलाइन सुविधा है तो कोई भी महिला कुछ भी कार्य करने से पहले देख सकती है कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट को घर पे बना के और उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट को ऑनलाइन ही अपलोड कर सकती हैं। तो फिर वो बात ही खत्म हो गई कि महिला है या पुरुष है या कौन उसको अप्लाई कर रहा है। तो क्योंकि ये खत्म करने के लिए ही, ट्रांसपेरेंट करने के लिए सिस्टम को ही ये सारी चीजें लाई जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भी बहुत सारी मदद है मुझे लगता है इंटरनेट के थ्रू मिली है जिस पर हम चर्चा करेंगे, पर फिलहाल ना वक्त कम पड़ जाएगा पर ये जो टॉपिक है ये चलता ही जाएगा। तो ब्रेक का वक्त हो गया है हमारे शो में भी, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन अच्छी बने, अगर आप चाहते हैं आपका देश आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं आपका एक अच्छा समाज बने तो आपको उनको आगे आने देना पड़ेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव हाजिर हूँ आपके अपने शो बिजनेस इनसाइड में। तो आपसे ये जानना चाहूंगी मैम कि जैसे आपने बताया कि आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, आपने अपने स्कूल की शुरुआत की परवरिश के तौर पर, इनफैक्ट बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करती होंगी आई एम श्योर, उनमें से मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ आप करती हैं। इसके अलावा मैं एक हॉस्टल चलाती हूँ जहाँ 700 बच्चे हैं। अच्छा। जो मुझे एहसास हुआ कि बच्चे बहुत दूर दूर से हैं, कॉलेज है नहीं उनके पास, शिक्षा है नहीं, तो अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो गर्ल्स जाएंगी कहाँ पे? और सेफ्टी के साथ जैसे उन्हें पेरेंट्स को फील हो कि घर है, इसलिए मैंने हॉस्टल खोला जहाँ 700 बच्चे जो बहुत दूर दूर से ऑल इंडिया से बाहर से नेपाल से भी हैं जो मेरे यहाँ सेफली है और एक अच्छे उससे रहते जिनसे मैं उन्हें एक अच्छे से ट्रांसपोर्ट वाईफाई कैंपस है पूरा और एक अच्छी घर जैसा फील करा सकूँ, एक उन्हें बेहतर मतलब फ्यूचर दे सकूँ। अच्छा आपसे जानना चाहूँगी सर, अगर एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर बात करें तो क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उनको अगर वो अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं? आज हमारे देश में क्या होता है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हो जाते हैं जहाँ की बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, जहाँ मैनेजमेंट कॉलेज भी आ जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ जाते हैं, स्कूल्स भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे हॉस्टल का काम बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो महिलाएं जो लड़कियां वहाँ पढ़ रही हैं कम से कम उनको एक सेफ इन्वायरमेंट मिले जहाँ वो रह सकें और उनको एक न्यूट्रिशन वैल्यू वाला खाना भी मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन अच्छी बने, अगर आप चाहते हैं आपका देश आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं आपका एक अच्छा समाज बने तो आपको उनको आगे आने देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और वो राइट समय, इस समय राइट टाइम है क्योंकि इसी समय पर सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में आपको लोन की भी सुविधाएं हैं, रजिस्ट्रेशन की भी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं, तो अगर इस समय परिवार से और समाज से सपोर्ट मिलेगा तो देश और समाज जरूर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, परिवार और समाज के सपोर्ट की आपने बात की सर, तो यही मैं आपसे भी जानना चाहूंगी और आपसे ये पूछूंगी कि जैसे अगर पहले की सरकार की बात करते हैं और अब की सरकार की बात करते हैं तो फैसिलिटीज तो पहले भी थी लेकिन अभी किस तरह से बेटरमेंट हुआ है, पहले आपसे जान लेती हूँ कि आपके परिवार ने आपको कैसे सपोर्ट किया जब आपने अपने स्कूल की शुरुआत की? जब मैंने अपने स्कूल की शुरुआत करी तो मुझे हर जगह जाना पड़ता था ऑफिसों में अपनी लैंड के बारे में, अथॉरिटी में या कहीं सीबीएसई ऑफिस में। लेकिन आज की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हम ऑनलाइन सारे सिस्टम हैं जहाँ मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन। जब मैंने स्टार्ट किया था स्कूल सीबीएसई 7th तक तो मुझे डेली जाना था उनसे
CBSE से अपडेशन के लिए. अच्छा. अभी मैंने नेस्ट वो किया इसी साल जो 8th क्लास तक है, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मैंने सारी चीज़ें सारी ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करी, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेजे CBSE को, और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. तो मेरे लिए ज़रूरी है कि हम सभी के लिए कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जहाँ आपका 1% तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है कि आप लेडीज़ हैं, क्योंकि वहाँ आप इक्वल हैं. आपने एप्लीकेशन दी है, वो कोई लेडीज या पुरुष नहीं है, तो आधी समस्या तो हमारी वहीं पे ख़त्म होगी. तो आगे जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है और अच्छा है. इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है. किस तरह से आप बेहतर नज़रिए से देखते हैं विमेन एम्पावरमेंट को, अगर मैं पहले की सरकार की बात करूँ और अब की सरकार की बात करूँ? इस सरकार ने नई सोच के साथ काम शुरू किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस सरकार ने एक नए माइंड सेट के साथ काम शुरू किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इस सरकार ने पहली बार पहचाना कि कोई भी व्यवसायी को कितने तरह की परेशानियां आती हैं. पहली बार सरकार ने नए माइंडसेट के साथ शुरू करने के बाद ट्रांसपेरेंट कर दिया है, सब कुछ ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है. जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि एक नया प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है, ई बिज प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है, जिस प्लेटफॉर्म में ये कर दिया है कि ये प्लेटफॉर्म में आप एक साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी अप्रूवल एक साथ ले सकते हैं. कंपनी का रजिस्ट्रेशन इजी कर दिया गया है. आपको यदि कोई लाइसेंस चाहिए होते हैं DIPP से, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी वाला है, वो भी आपको एकदम से मिलने लगा. अच्छा. तो बहुत सारे लाइसेंसेस, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी सुविधाएं, ये सब आपको ऑनलाइन मिलने लगी. स्टार्टअप नई योजना शुरू हो गई, जिसमें कि हमारे देश में, क्योंकि शुरू से हमारा देश में बौद्धिक संपदा बहुत ज्यादा है, हमारे देश के लोगों का कैलिबर बहुत ज्यादा है, तो हमारे देश में इनोवेशन सबसे ज्यादा हुई, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई. तो हमारे देश का वो युवा विदेशों में चला गया और वहां काम करने लगा. अच्छा. तो पहली बार स्टार्टअप योजना शुरू हुई, जिसमें कि सरकार ने कहा कि जो भी हमारा युवा है उसके पास कोई भी इनोवेशन अगर है तो वो इनक्यूबेटर के पास जाए, और इनक्यूबेटर्स की लिस्ट दी हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर, गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे, उसमें देखे अपने इनोवेशन को, इनक्यूबेटर से अप्रूव कराए तो स्टार्टअप की कैटेगरी में आ जाता है, और सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है उसमें आपको. बिल्कुल सही. वेंचर कैपिटल से लेकर के, लोन से लेकर के, अप्रूवल से लेकर के, वो सारी सुविधा मिलती हैं. और साथ में पहली बार हमारे देश में उसमें एग्जिट क्लॉज भी डाला गया है, यदि वो आपकी इनोवेशन जो है वो किसी वजह से फेल होती है तो उसमें आपको परेशानी ना हो और आप उस बिजनेस से एग्जिट करके नया कुछ सोच सके. बड़ी अच्छी बात आपने कही. आपने तो एक मतलब कंपैरेटिव जो आपका तुलना वाला पॉइंट था उसे बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके समझाया. आपसे भी छोटे से ब्रीफली जानना चाहूंगी कि आप इस तुलना को कैसे देखती हैं. अगर हम किसी बिजनेस में अगर सक्सेस नहीं हो पाए तो हम दूसरा बिजनेस करते हैं. इससे जो गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिल रहा है वो काफ़ी है, और मुझे लगता है कि लेडीज होने के नाते युवा सभी को ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. जो हम दूसरे देश पे डिपेंड रहते हैं, जैसे चाइना है या कुछ है, वो हम अपने देश में कर रहे, तो हमारे देश में जो युवा है उनको जॉब मिलेगा और हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, देश की ग्रोथ में मतलब हम पार्टिसिपेट कर सकते. बिल्कुल सही कहा, इक्वली पार्टिसिपेट कर सके, ये बहुत जरूरी है. मुझे लगता है कि मेरे डायरेक्टर साहब से मुझको थोड़ी सी डांट पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो डांट मैं खाने के लिए तैयार हूँ, बट अपने देश की महिलाओं को ना नाराज करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ. तो दोस्तों, एक बार फिर से इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, यानी विमेन एम्पावरमेंट पर चर्चा करेंगे, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर चर्चा करेंगे, पर आज नहीं, अपने अगले एपिसोड में इस बात को कंटिन्यू रखेंगे. लेकिन अगर आप इससे जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहती हैं या फिर कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहती हैं ना, तो सोचिए मत, अभी इसी वक्त फोन उठाइए, हमें SMS कर दीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, या फिर आप ईमेल के जरिए भी हमें सवाल पूछ सकते हैं. फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार.